वेलकम बैक इन माय ट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश मंडल, आप देख रहे हैं यूनिक सिविल एनिमे योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब कई ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ये शेयर करते रहते हो कि मैं ये लैपटॉप लूं कि ना लूं, ये लैपटॉप लूं कि ना लूं, बड़े कंफ्यूज रहते हो। कभी लोग मुझे भी क्वेश्चंस करते हैं, सर कौन सा लैपटॉप लूं। अचानक से मैं उनको कैसे बता सकता हूं यार, जब तक कोई रिसर्च नहीं होगा लैपटॉप पे। मैं ऐसे तुम आपको ही पता, मैं कभी भी आंसर ऐसे नहीं देता हूं, टाइम लेता हूं, प्रॉपर देखता हूं कि इसके लिए कौन सा रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार आपका बजट, कि आपका बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग लो। सॉफ्टवेयर चलाना है बहुत अच्छी बात है, सॉफ्टवेयर कई लैपटॉप में चल जाते हैं, मीन्स छोटे से छोटे में भी चल जाते हैं, बड़े से बड़े में भी चल जाते हैं। हाँ, इतना भी छोटा मत लो कि वो चले ना, इतना भी बड़ा मत लो कि आपको लोन लेना पड़े या फिर ईएमआई पे लेना पड़े। तो ऐसे लोगों में सब प्रॉब्लम देखा है मैंने कि ईएमआई पे ले लिया और वो भर रहे हैं। अब मान लो अगर आपकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपए है और आपके पास 3 हज़ार ईएमआई कट जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी यार। तो इतना पैसे अभी मत इन्वेस्ट करो एज अ स्टूडेंट। अगर आपको लाइक अगर आप प्रोफेशनल हो तो नो डाउट, अभी मैं खुद भी लगभग 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लेने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं लैपटॉप नहीं पीसी लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1.5 लाख रुपए मैं पीसी में लगा दूंगा तो बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशंस मुझे मिल जाएंगे। मेरे एडोब प्रीमियर प्रो, लूमियन, जो बड़े बड़े हाई ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर है, सब बहुत अच्छे से चलाएंगे उसके अंदर। तो मैं बहुत दिन से उसको कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ, बट अभी मेरा थोड़ा रूम शिफ्टिंग वगैरह का चल रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, मीन्स ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपको 1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप सीधे लगाओ 1-1.5 लाख रुपए अच्छे से लो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं ये प्रीफर नहीं करता हूँ। कई लोग बोलते हैं नहीं यार ले लो ऐसे ऐसे, नहीं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप, अगर आपके घर पे पैसा है तो नो डाउट, बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे सीखने के लिए लेना है, सो प्लीज वही लो जो आपके बजट में आता है। तो मैं आज वो आपके सिस्टम्स दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से सिस्टम्स आप ले सकते हो। मैं अपने पीसी में दिखाता हूँ कि देखो ये सिस्टम्स, और साथ ही साथ ऑफर भी देखो। ऐसा नहीं यार कि ऑफर नहीं देखे और डायरेक्ट ले लिए तो फिर गड़बड़ होगा ना। मैं वही कॉन्फ़िगरेशन आपको, अगर डेल दे रहा है 80,000 रुपए में और वही चीज आसूस या फिर लेनोवो आपको दे रहा है 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार रुपए में, तो मैं आपको बोलूंगा कि स्टूडेंट होने के नाते आपको आसूस और लिनोवो पे जाना चाहिए, न कि डेल पे। मैं डेल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, डेल इज वेरी गुड, एचपी इज वेरी गुड, बट यार मेरे को अभी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मीन्स जब से मतलब कि अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, आप में से कई लोग लाइक रेडमी या रियलमी जो और वीवो जो भी 2-3 कंपनियों के मोबाइल होते हैं, ज्यादातर तो लोग इसको क्यों प्रीफर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कम बजट में ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। यही चीज होता है लैपटॉप में भी। आप मत जाओ अभी डेल पे, डेल पे जाना जब आपका लेवल आ जाए। एप्पल लेना यार, वो एप्पल में मैकबुक प्रो वगैरह रहता है, वो सब लेना आप, लेकिन वो फ्यूचर में लो। अभी एज ए स्टूडेंट जो मैं आपको लैपटॉप प्रीफर कर रहा हूँ, मैं आपको 30 से 40 के रेंज में दिखाता हूँ, 40 से 50 के भी रेंज में दिखाता हूँ, और 50 से 60, 60 से 70। अब आप देख लो आपका जो बजट है उसके रेंज में आप देख लो कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये सारे लैपटॉप में जो देख रहा हूँ, मैंने सारा चेक किया है, तब मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि हाँ इन सब में आपके सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे। मैक्सिमम जो 40 तक के सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, 40 के ऊपर वाले आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आर्किटेक्चर के लिए थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन लगता है, और स्ट्रक्चर के लिए एज सच लाइक स्टैट प्रो, ईटैब, टेक्ला में थोड़ा सा लगता है, बट स्टैट प्रो और ईटैब में बिल्कुल ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आप देखो अपने बजट के अकॉर्डिंग लैपटॉप लो, ऐसा ना हो कि आपको बर्डन जाए। और मैं यही कहूंगा कि कंपनियों के पीछे मत भागो, ब्रांड के पीछे भागना एक लेवल आने के बाद। अभी ब्रांड, अभी मुझे एप्पल का मोबाइल लेना हो तो मैं ले सकता हूं, लेकिन अब कि मैं अपने कॉलेज लाइफ पे जब मेरे फादर इतना मेहनत करके मुझे पैसा दे, तो मैं बोलूँ कि एप्पल लूंगा, एप्पल में 11 प्रो या 10 प्रो जो भी आते हैं मुझे पता भी नहीं नाम, तो मुझे लगता है वो गलत था। तो ये टाइम आएगा तो ले लेना, बट अभी आप देखो कि मेरा लैपटॉप में मुझे सीखने के लिए चाहिए तो कम बजट में कौन सा मिल सकता है। मैं वही लैपटॉप आपको दिखाने जा रहा हूँ जो जो कम बजट में मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको, और फिर आप डिसाइड करिएगा, कमेंट करिएगा सर ये वाला मुझे अच्छा लगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दूंगा, सो फटाफट जाके वहां से आप अपना सारा लैपटॉप देखिए, फिर समझिए, फिर रिव्यू पढ़िए। मैं वही लैपटॉप को दिखाने जा रहा हूँ जिनके रिव्यू अच्छे हैं, फिर जब फाइनल हो जाए तब आप लैपटॉप लीजिए, तब आप इन्वेस्ट करिए उसमें पैसे। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपका बजट 35 के अंदर आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा आपके लिए लैपटॉप रहेगा लिनोवो आइडिया पैड S145। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने बोला है कोई कंप्लेंट नहीं है सर। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर SSD है, हार्ड डिस्क तो भी एक अच्छी चीज़ है, 4GB रैम है। अभी ये अनअवेलेबल है तो, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा क्योंकि आता रहता है, बहुत जल्दी स्टॉक इसके ख़त्म होते हैं। काफ़ी अच्छा ये लैपटॉप है, और इसका सबसे अच्छी चीज़ इसका रिव्यू आपको 4 स्टार मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये लैपटॉप अगर आपका 35 तक का बजट है और 37 तक का बजट है, आता रहता है इसके बीच में, वेरी करता रहता है, आप इसको लेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसके जो फीचर्स हैं, इस फीचर्स में हमारे पास स्ट्रक्चर के जितने सॉफ्टवेयर हैं सब बहुत ही बेहतरीन चल जाते हैं।
इसके अंदर 4 GB रैम है, जिससे हमारा पर्याप्त काम हो जाता है और हम लोग को एक्सेस करने में इजी होता है। और जो इसके रेंडर, जो इसके अलग अलग पोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट वर्क हो जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा ये तो स्ट्रक्चर के वर्क के लिए, यानी स्टैट प्रो और ईटैप के लिए, बट अगर आपका काम ऐसा है कि आप थोड़े हैवी वर्क करना चाहते हो और आपका बजट भी थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं आपको गेमिंग लैपटॉप की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप का स्पीड जो होता है बहुत अच्छा रहता है। गेमिंग लैपटॉप में ये लैपटॉप काफ़ी सक्सेस है, इसका जो स्टार है वो 4.5 स्टार इसका फीडबैक है, मतलब बहुत ही बेहतरीन है। प्लस जो जो यूज कर रहे हैं मेरे सामने, कई लोग यूज कर रहे हैं, ये लगभग 48,000 का आ रहा है, आता रहता है, अभी इसमें अवेलेबल है ये भी, क्योंकि इस समय इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, जब आता है मार्केट में तुरंत गायब भी हो जाता है। तो ये काफ़ी बेहतरीन है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें 4 GB ग्राफिक्स कार्ड है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, SSD हार्ड डिस्क है, जो कि आपके स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। और विंडो 10 है, नो डाउट, अच्छा ही है सब कुछ। और जो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ये कॉन्फ़िगरेशंस आप किसी भी गेमिंग वर्क, लाइक जैसे कि आप 3ds मैक्स यूज कर सकते हो इसके थ्रू बहुत अच्छे तरीके से, आप इसके थ्रू लूमियन यूज कर सकते हो रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर्स, और ये HD का पूरा स्क्रीन है इसका, तो बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये लैपटॉप अगर आपका 50 तक का बजट है, तो ये 48 का आ जाएगा, और इसमें आप बहुत अच्छा, मैं इसमें बोलूँगा कि आप यही मॉडल चूज़ करना, जैसे कि इसमें और मॉडल, जैसे ये मॉडल मैं नहीं प्रीफर करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसका स्टार, मतलब फीडबैक इसका कम है, इसका फीडबैक कितना कम है, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी देख के समझ आ रहा है बहुत अच्छा है। अगर अभी अनेबल है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, आएगा फिर आप ले लीजिएगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा बजट आपका और अच्छा है, तो मैं आपको ये प्रीफर करूँगा ये लैपटॉप, वो 48 का है, ये वाला 48 का है, और ये आपका नियर अबाउट कितने का है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 55 का चल रहा है, और ये भी लैपटॉप अच्छा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशंस है इसके, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। और ये आपका जो है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 GB इसमें रैम है, उसके अलावा जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में 1 TB हार्ड डिस्क है, और उसके बाद आई थिंक 500 या 250 SSD है, सो कि जो कि आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। कोई भी भारी से भारी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, मीन्स काफ़ी बेहतरीन ये वाला भी लैपटॉप है, और गेमिंग लैपटॉप बहुत ज़्यादा सक्सेस है। तो इसका एक थर्ड और ये उससे भी अच्छा है, ये तीनों लैपटॉप फिलहाल तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपका बजट 50 तक है तो मैं बोलूँगा ये ले लीजिए गेमिंग लैपटॉप, ये उसके लिए बोल रहा हूँ जो लाइक 3ds मैक्स, रेविट, स्केचअप, इन पे रेंडरिंग का काम करने वाले हैं, उनके लिए लैपटॉप सक्सेसफुल ज़्यादा है। और उसके बाद थोड़ा सा और बजट है तो ये ले लीजिए, और उससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगभग 1000 का फ़र्क है, तो अगर ये आप लेते हैं तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, सबसे बेटर तो फिलहाल यही है। इसके जो लाइक प्रोसीजर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे हैं, और ये लैपटॉप में आप कितना भी हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये तीसरा लैपटॉप है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप कहोगे कि कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि ASUS के लैपटॉप अच्छे नहीं होते, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे लैपटॉप होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी कई लोग बोलते हैं नहीं सर मुझे HP और डेल में जाना है, तो यार ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इससे भी कम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। लैपटॉप बहुत अच्छा है, ये जो यूज़ कर रहे हैं, मतलब मेरे ही कई स्टूडेंट जो यूज कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे से पता है बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, बट इसका प्राइस जो होता है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 61,000 है। तो ये कोई प्रोफेशनल है वो यूज करेगा तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ यार तुम कर सकते हो। 2 GB यहाँ पे क्या बोलते हैं, NVIDIA का ग्राफिक्स है, NVIDIA ग्राफिक्स काफी अच्छा होता है, मेरे पास एक लैपटॉप है ऐसा, और क्या बोलते हैं 1 TB इसकी हार्ड डिस्क है, विंडो 10 है, और उसके बाद 8 GB आपका रैम है, और क्या बोलते हैं i5 8th generation है, जो कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका बजट 60 के ऊपर है तब इस लैपटॉप को प्रीफर करो, और ये लैपटॉप का रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4 स्टार इसके रेटिंग्स है, और मतलब कि लगभग लगभग लैपटॉप बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये लैपटॉप तब यूज़ करना जब आपका बजट अच्छा हो, अदरवाइज ये कर लो अगर आपका 55 के ऊपर अगर बजट आ रहा है, ये 55 तक के लिए ये करो, और अगर आपको लाइक 450 के अंदर ही ख़त्म करना है और गेमिंग वर्क करना है, मीन्स रेंडर का काम अच्छे से करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो 48 का। और इससे भी कम बजट है, स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर चलाने हैं और आर्किटेक्चर के भी, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चलेगा नहीं, आप प्रॉपर सीख सकते हो, और बिजनेस पर्पज़ से कम यूज़ कर पाओगे क्योंकि स्पीड उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो ये लैपटॉप भी आप यूज़ कर सकते हो, और स्ट्रक्चर के लिए तो पर्याप्त है ये, मतलब स्टैट प्रो, ईटैब, ऑटो कैड के लिए इनफ है ये सॉफ्टवेयर, और सॉरी ये लैपटॉप। तो आप देख लो इसमें से जो लैपटॉप आपको पसंद आए वो करो, बट बजट के अकॉर्डिंग करना, पता चला आप उसमें ज़्यादा बजट में जा रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपका सफिशियंट वर्क हो जाएगा एज ए स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा बजट है तो यहाँ तक चले जाओ, प्रोफेशनल हो तो ये इस पर ले सकते हो,
और अच्छा लेना तो ये, मैं सबको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दे रहा हूँ। आपको देखना है कि मेरा बजट किस में है। ये सारे जो लैपटॉप है सब मैंने देखे हैं, सब मैंने यूज़ किए हैं। मुझे कई लोग से कई दिन से रिकमेंड करने के लिए बोल रहे थे कि सर कौन सा लैपटॉप लें, मैं नहीं दे बता रहा था क्योंकि मैं जब तक पूरा रिसर्च नहीं किया, सब कुछ चेक नहीं किया, तब तक मैं कैसे किसी को यार इन्फ्लुएंस कर दूँ। तो मैंने मेरी कोशिश ये थी कि जब मैं एकदम क्लियर कर लूँगा सारे लैपटॉप तब आपको बताऊँगा। तो आज मैं सारे लैपटॉप का आपको कन्फिगेशन सामने दिखा दिया। अगर आपका बजट यहाँ तक है तो डेफिनेटली एचपी बहुत अच्छा ब्रांड है, और मैं बोलूँगा स्टूडेंट को ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए, प्रोफेशनल ब्रांड पे जाते हैं तो अच्छी बात है। और आसूस में गेमिंग के जो लैपटॉप है बहुत सक्सेस चल रहे हैं, इतना मस्त चलता है ना ये लैपटॉप कि मीन्स इस पे काम बैठते ही ना आपको काम करने का मन अलग से करने लगता है, क्योंकि मैंने चलाया इसलिए मैं बता सकता हूँ। ये तीनों लैपटॉप मेरे बहुत फेवरेट है। तो मैं बोलूँगा अगर 50 तक का बजट है तो देखो 4.5 इसका स्टार है, तो समझ सकते हैं 4.3 तो समझ सकते हैं कि बेटर है इसका। और उसके अलावा कम बजट में ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो करंट में मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं यही यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, लिनोवो वही लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। सो ये भी बेटर है, आप देख लो अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेस कर लो। और कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लेना कि सर मैं ये कर रहा हूँ, या फिर लैपटॉप लेने के बाद कोई प्रॉब्लम आती तो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। फिलहाल ये जितने मैंने लैपटॉप बताए हैं ये सब मेरे अकॉर्डिंग सभी प्रूफ है, कोई किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं जब तक क्या बोलते रिव्यू अच्छे नहीं रहते तब तक मैं प्रीफर ही नहीं करता हूँ, सबके 4 या 4 के ऊपर के रिव्यू हैं तभी मैंने आपको रिफ़र किया है। चलिए देख लीजिए उसके बाद बताइएगा आपको कौन सा लिया आपने, बताइएगा कमेंट करके, या कौन सा आपको पसंद है वो भी कमेंट करके बताओ यार, तो अभी पता तो चलेगा कितने लोगों को कौन सा पसंद आया। आपको लैपटॉप अच्छे लगे होंगे, जो काफ़ी लैपटॉप आपने देखे इसमें सारे लगभग लगभग अच्छे लगे होंगे। अब आप देखिए अपने बजट पर फोकस करिए कि हमारा जो बजट है उसमें कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दिया 40 तक के अंदर में जितने हैं ये, अगर आप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बहुत बेहतरीन है। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी 3ds Max चलाना है, लूमियन चलाना है, ऐसे सॉफ्टवेयर चलाना है तो आप 40 के ऊपर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप चूज कर लो कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा, सो प्लीज़ जो हेल्प मिला है उसके लिए एक काम कर दो, क्या यहाँ पे शेयर बटन है, 10-15 फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ सर ने मुझे सर से मैंने क्वेश्चन पूछा था सर ने बताया, तो इतना हेल्प कर दो यार तो बेटर रहेगा। फिलहाल आप लोग इतना कर चुके हो कि 11,000 की फैमिली कर चुके हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैं 11 सब्सक्राइबर थे तब भी मैं वैसे ही पढ़ाता था, और 11,000 हो गए, पता नहीं कब कहाँ पहुंचेंगे। अब आप लोगों जहाँ पहुंचाना हो पहुंचा देना, बस ये कहूंगा। मेरा आकाश पांडे ब्लॉग वाला चैनल आप लोग सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा और कर देना, जरूरत है। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1,000-2,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं जो मेहनत करता हूँ ज्यादा लोगों तक तो पहुंच जाएगा। अभी केवल 20-25 लोगों तक तो पहुंचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं काम करता रहूंगा चाहे 20-25 पहुंचे, क्योंकि मुझे पता है 20-25 5,000 में बढ़ते हैं और 5,000 5 लाख में 5,05,000 में पहुंचेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ यहाँ पे कमेंट करो आपको किसी लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आई, या आपने जो लैपटॉप चलाया उसमें से कौन सा आपको अच्छा दिखा, तो आपके भी व्यूज शेयर हो जाएंगे यार कि ठीक है इन्होंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे मजा आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैंने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे खुद के पास 3 PC है, एक पीसी मतलब लैपटॉप, एक डेल का है, एक एचपी का है और एक लिनोवो का है। तो मेरे पास तीनों का एक्सपीरियंस था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर किया। जय हिंद जय भारत।